अफगानिस्तान में भी तार साहब कल जो है वो भारत के साथ यौम आजादी मनाया। इन 3 सालों में अफगान तालिबान के वहां इक्तदार में आने के बाद, एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त जिस नहज पर हैं अफगानिस्तान के साथ ना होने के बराबर, और तालिबान ने बड़ी जबरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, टैंक भी हैं। तस्वीरों का नाता सीधे सीधे भारत से जुड़ा है, तो इन तस्वीरों में जो हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है वो है MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर। क्योंकि अफगानिस्तान को आज 3 साल तालिबान के तहत अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। ये वही हेलीकॉप्टर है जो बीते कुछ सालों में भारत ने अफगानिस्तान को एक बेहतर दोस्त के नाते तोहफे के रूप में दिए थे। अब वो सरपसंद इसलिए है कि वो हम इंडिया से दोस्ती करेंगे, हम पाकिस्तान से नहीं करेंगे। टीपी की तरफ से तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बकायदा तौर पे जो साथ नेबर कंट्री है इंडिया उसकी तारीफ की है 15 अगस्त के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। उन्होंने ये बोला कि वो देखें 76 साल में उन्होंने क्या अचीवमेंट की, 77 ईयर 76 ईयर में, और हमने पाकिस्तान वालों ने क्या अचीवमेंट। इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, डॉसियर हमने भेजा जिसमें TTP के इन्वॉल्वमेंट, बलोच नेशनलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट जो अफगान सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं। हमें लगता है इंडिया से अगर दोस्ती है, और हाँ हमें भी नजर आ रहा है इंडिया से बड़ी अच्छी दोस्ती है अभी, थैंक्स इंडिया भी उन्होंने बोला है, तो इंडिया से जो दोस्ती है वो पाकिस्तान के लिए बुरी साबित हो सकती है। जी जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो अगर इंडिया के साथ मिलकर अगर पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक वगैरह कर सकते हैं। तालिबान ने बड़ी जबरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, टैंक भी हैं, मोटरसाइकिल पे भी वो लगे हुए हैं। और तालिबान आज कितने सिक्योर हैं, तालिबान क्या कर रहे हैं, और 3 साल हो गए हैं तालिबान को जब से वो पावर में है, तकरीबन 4.1 करोड़ के करीब अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है, और तालिबान पॉलिटिकली बड़े स्टेबल लग रहे हैं। उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली खड़ा कर लिया और उनको कोई इमीडिएट उनके लिए चैलेंज कोई नहीं है, और उनके इंटरनल डिफरेंसेस जो हैं वो कोई नहीं है। हाँ वो ये बात है कि वो ख़वातीन को एजुकेशन पे वो कहते हैं नहीं, ख़वातीन घरों में रहेंगी, और उनके मुकाबले में कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस, कोई ऐसा ग्रुप जो कोई सामने आ जाए उनके खिलाफ लड़े, कोई भी नहीं है। माजी में आपको पता है तालिबान जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा अफगान तालिबान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की अपनी पावर जो है वो इस्टेब्लिश की है। सिर्फ उनको एक ही चैलेंज है और वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है, वो तालिबान का एक है, एक इस्लामिस्ट ग्रुप है, और वो मुसलसल वहाँ पे बैठ के बैठा भी अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, डिफरेंट जगहों पे वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो अमेरिका भी उनसे तंग है, पाकिस्तान भी तंग है, और सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान से खुश नहीं है। पाकिस्तान को बड़ी खुशियाँ थी कि अफगान तालिबान पावर में आ जाएंगे। ये जो जनरल फैज हमीद हैं जो जिनकी बड़ी बात की जाती है कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई तो वो जहाज़ लेके वहाँ चले गए और वहाँ जाके वो तालिबान से मिलने, लोगों को पता चला शायद जो पाकिस्तान का जो DGISI है वहाँ पे कैबिनेट बनाने गया है, ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो अफगान तालिबान तो हमारी सुनते नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हमारी 50 साल इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में डूब गई है। हमने जिस तरह अफगानिस्तान को खड़ा किया, तालिबान बनाए, उन वहाँ पे हुकूमतें ख़राब हुई, सारा कुछ हमने किया, अमेरिका सऊदीया के साथ मिलके सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाकी सारे तो चले गए, हम फंस गए हैं। अब वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ना वो हमारी सुनते हैं, ना वो हमारी गिनते हैं, और पाकिस्तान के अंदर लाखों महाजरीन बैठे हैं, ना हम उनको निकाल सकते। अगर हम उनको निकालें तो लोग गालियाँ देते हैं, क्यों निकाल रहे हो, वो पाकिस्तान के अंदर आके जराइम में भी मुलव्वस हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आके पैसे दे के पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी ले लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, करप्शन का फायदा उठाते हैं लोग। सो बड़े अजीब किस्म के मामला चल रहे हैं हमारे तालिबान के साथ, लेकिन तालिबान ने इंटरनली बड़ा मैनेज किया हुआ है। और आप जैसे ये कहें कि आजकल तमाम वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो तालिबान से मिलना चाहते हैं, समेत इंडिया। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया का और अफगान तालिबान का नेशनल डे एक दिन ही बनता है। इंडिया जो है वो बड़े तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं 2-3 अरब डॉलर की, उसको वो जिसे कहते हैं ना कैश करवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अफगान तालिबान हमारी इन इन्वेस्टमेंट्स को ख़राब करें। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, चाइना की और इंडिया की जो पॉलिसी है, इवन रशिया की,
जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के अंदर वो एक ही है, ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं। चाइना, रशिया और इंडिया तीनों की एक पॉलिसी है ना, और तीनों मुल्क चाइना के इंटरनल अफगानिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। वो नहीं कह रहे गर्ल्स एजुकेशन होनी चाहिए, ख्वातीन के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। रशियंस को और चाइनीज को और इंडियंस को इस चीज से गर्ज है कि क्या उनका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अमेरिकन यूरोपियंस आते हैं वो कहते हैं भाईजान ख्वातीन की तालीम, वुमेन राइट्स, ये लोगों को मारो ना, आजादी दो, ये करो, वो कहते हैं नहीं 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 ये हमें नहीं करना। सो इंडियंस, अमेरिकन, इंडियंस, रशियंस एंड चाइनीज दे हैव वन इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इंडिया का जरा ज्यादा इंटरेस्ट क्योंकि इंडिया ये एक इस्लामिक मुल्क है अफगानिस्तान, और माजी में आप चले जाएं जब इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को बहुत सपोर्ट करता था 90s में और पाकिस्तान तालिबान के साथ था तो इंडिया वहां जा ही नहीं सकता था, लेकिन जब अफगान तालिबान जो है उनकी हुकूमत चली गई और उसका हामिद करजई को इंस्टॉल कर दिया अमेरिका ने बोन प्रोसेस के बाद, तो उसके बाद जो है वो सारे का सारा इंडिया की जो पेनिट्रेशन दोबारा हो गई और अभी फिर इंडिया की पेनिट्रेशन है, तो इंडिया ने उस पेनिट्रेशन को अच्छे तरीके से वो डायलॉग कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। और अफगान तालिबान कतर जा जा के दुनिया से डील कर करके, यूएई टर्की से डील कर करके अब वो डिप्लोमेट हो गए हैं, उनको पता है कि हर एक दुनिया के मुल्क के साथ बात करनी है। वहाँ वो किसी को इंटरनली मामलात में नहीं कुछ कहते, वो कहते हैं हाँ कारोबार करना है आओ करो, लेकिन हमारे घरों में नहीं आना, हमारी फैमिलीज वुमेन ख़वातीन इधर किसी को नहीं पूछना, हाँ मर्द मर्दों तक ताल्लुक रखो, जो एक कल्चर है वहाँ पे तो उन्होंने रखा हुआ है। सो इंडिया के और चाइना और रशिया के ये इंटरेस्ट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हाँ इंडिया एक और बात भी करता है कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं उनकी, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक नई चीज़ है जो नरेंद्र मोदी के दौर में इंट्रोड्यूस कराई गई। एक साथ अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, डॉसियर हमने भेजा जिसमें टीटीपी के इन्वॉल्वमेंट, बलोच नेशनलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट जो अफगान सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं उस पर कोई जवाब नहीं है। बॉर्डर फेंसिंग पे आपको याद है हमारे मेजर जो है वो शहीद हो गए, ऐसे में कैन वी एक्सपेक्ट कि ये वाकई वहां पीस चाहते हैं या ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हम जो है वो आगे बढ़े? देखिए दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, मैं इकदामात की बात कर रही हूँ, लेकिन जो उनकी जबान है उससे तो जाहिर होता है कि शायद वो अमन नहीं चाहते हैं। और उनके अपने जो बहुत करीबी दोस्त हैं हमारे हमसाए में, शायद उनके ईमा पे उन्होंने ये लबो लहजे अख्तियार कर रखा है। अब आपने भी माशाल्लाह आज बड़ी तैयारी की हुई है, काफ़ी अदद व शुमार हकाइक के साथ आपने अपनी तमहीद बांधी है, लेकिन एक बात बड़ी वाजे है कि खुद अफगानिस्तान के अंदर यानी काबुल में एक मुनकसिम घर है। हम कश्मीर कश्मीर का नारा लगाते रहे 75-76 साल, और अब वहाँ कश्मीर जो इंडिया साइड कश्मीर है वहाँ पे भी लाल चौक पे बड़ी तादाद में हमें तिरंगे यानी कि जो इंडिया के परचम है वो नजर आए।